हाय फ्रेंड्स, एज यू नो आज हमारा चाइल्ड स्पेशल एपिसोड है। तो इसके लिए आलू ऐसे ही बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो ये टिफिन में भी लेके जाए जा सकते हैं, घर में भी खा सकते हैं। ये एनी टाइम स्नैक है, बच्चों का फेवरेट स्नैक है। आइए हम बताते हैं इसको, हम क्या क्या डलेगा इसमें। ये पोटैटोज़ हैं, इसको इस तरह से हमने लंबा लंबा काट के पानी में डाल के फ्रीजर में रखा हुआ था। वो इसलिए रखते हैं जब हम इसको डीप फ्राई करें थोड़े क्रिस्प बनते हैं ये। और ये कॉर्नफ्लावर है, इससे हम इसको कोट करेंगे। एंड ये शहद है, हनी, ये तिल है, ये टोमेटो सॉस और ये सॉल्ट, एंड ये कलर है थोड़ा सा इसको देने के लिए, एंड दिस इज चिली फ्लेक्स। तो आइए हम बताते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको हमने पानी निकाल के ड्राई कर लिया है आलूओं को, और अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, थोड़ा इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे, और ताकि ये जो कॉर्नफ्लावर है हमारे पोटैटोज़ को प्रॉपरली कोट कर ले। कोशिश करें कि हाथ ना लगाना पड़े, इस तरीके से ये सौते हो जाएं इस तरीके से। अब हम इसमें अपने डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इसमें, और अब इसमें डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से अभी डालेंगे और थोड़े से हम बाद में जब इसको सॉस में कुक करेंगे तब डालेंगे। बस इस तरीके से इसको कर लेंगे ताकि सारे हमारे इस पर आलूओं पे कॉर्नफ्लावर लग जाए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। बस इस तरीके से इसको शेक करके सारा कॉर्नफ्लावर हम स्प्रिंकल कर लेंगे अपने पोटैटोज़ के ऊपर। अब इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे, इसको हम पिंक कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसमें ये पोटैटोज़ को। ये देखिए कितने अच्छे ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से, जैसे फ्रेंच फ्राइज हैं बस उस तरीके से हमने इनको फ्राई कर लेना है। ये बहुत अच्छे तरीके से इतने अच्छे गोल्डन कलर आ गए हैं इनके ऊपर। ये हमारे आलू तैयार हो गए हैं, अभी हम इनको अपनी सॉसेज में कोट करेंगे जिससे ये और सुंदर कलर के हो जाएंगे। एक और पैन लेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा चाहिए। ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे ये हनी लिया हुआ है, ये बहुत अच्छा ग्लेज देगा हमारे सॉस को एंड इस आलूओं को। हनी वैसे भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है। एंड अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो सॉस, जो बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद है। इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, हल्के से चिली फ्लेक्स हमने इसमें डाले हुए थे, थोड़े से हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्के हल्के डालेंगे। इसको स्टर कर लेंगे थोड़ा सा, हल्का सा नमक अभी ठहर, सॉल्ट हमने उसमें भी डाला हुआ था, हल्का सा इसमें डालेंगे, थोड़ा सा कलर डालेंगे, बिल्कुल अ पिंच। ग्लेज बहुत अच्छा तैयार हो गया है हमारा आलूओं का। अब हम इसमें अपने ये आलू करके इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये बहुत अच्छा कलर आ गया है, लुक एट दिस। ये अब इसमें हम फिनिश करेंगे इसको ये अपने वाइट तेल डाल के। ये बहुत हेल्दी भी हैं प्लस बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं पोटैटोज़ के ऊपर। अब कौन टेस्ट करेगा? आरुषि टेस्ट करेगी इसको। ये लो टेस्ट करो, यम्मी, टेस्टी है।